हाय एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ यू ऑल डूइंग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हालांकि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हमारा यूजुअल वाला ठीक ठाक थोड़ा अनयूजुअल सा हो गया है, लेकिन अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया पर फैलती हुई खराफात यानी मिथ से आगाह करना है, जो इस पैंडेमिक की तरह तेजी से दुनिया में बगैर तस्दीक फैल रही हैं। लेकिन कोरोना वायरस जैसी वबा से कोई लेना देना नहीं, तो बिल्कुल भी टाइम ना जाया करते हुए आगे बढ़ते हैं पहले मिथ की तरफ, जो कि है अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया तो मेरा मरना तय है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनम जेब्रियसिस ने 3 मार्च 2020 को होने वाली मीडिया ब्रीफिंग के इफ्तिताही कलमात में बताया है कि कोरोना वायरस की आलमी शरयमवाद, जिसे इंग्लिश में ग्लोबल मॉर्टिलिटी रेट कहा जाता है, सिर्फ 3.4% है। यानी किसी को कोरोना वायरस होने का हरगिज मतलब ये नहीं कि उसका अंजाम सिर्फ सजाए मौत है, क्योंकि 96.6% लोग सेहत याब हो जाते हैं। दूसरी मिथ, सिर्फ मास्क पहन लेने से मुझे वायरस नहीं होगा। हमारे यहाँ 3 के मास्क देखे जाते हैं। एक N95, जो कि ज्यादातर डॉक्टर्स पहनते हैं क्योंकि उनका रोज कोरोना वायरस की तस्दीक शुदा यानी पॉजिटिव केसेस से सामना होता है। दूसरा मास्क है सर्जिकल मास्क, जिसका इस्तेमाल आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सेहतमंद लोगों में कोरोना वायरस से बचने के लिए साबित नहीं। सर्जिकल मास्क उन्हें पहनना चाहिए जिनको सांस या किसी चीज़ से एलर्जी की शिकायत हो, जिसकी वजह से वो खांसी या फ्लू का शिकार हो, ताकि दूसरों को महफूज रख सकें। फिर आता है कपड़े का मास्क, जो कि सिर्फ आपको धूल मिट्टी से बचाता है, कोरोना वायरस से नहीं। तीसरी मिथ, कोरोना वायरस से बूढ़े लोगों को होता है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो किसी को भी हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चे भी इससे महफूज नहीं। लेकिन बूढ़े और वो लोग जिनमें पहले से तिब्बी बीमारी, मसलन अस्थमा यानी दमा, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ यानी मर्ज़ कल्ब मौजूद है, ऐसे लोगों में इसके असरात शदीद हो सकते हैं, इससे उन्हें ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो याद रखिए, ये हर किसी को हो सकता है, लेकिन इनमें भी बहुत से बूढ़े लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ज़्यादा अलामात ज़ाहिर ना हों। चौथी, एंटीबायोटिक्स लेने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है या एंटीबायोटिक लेने से कोरोना वायरस से ठीक हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया जैसे जरासीम के लिए इस्तेमाल होती हैं, वायरस के लिए नहीं, और ये दोनों अलग अलग जरासीम हैं। लेकिन अगर आपको उसके साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या अगर आप हॉस्पिटल में दाखिल हैं, तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी सानवी इन्फेक्शन के लिए। पांचवी, गर्म मौसम कोरोना वायरस से बचाता है। धूप में 2 खड़े होने से कोरोना वायरस नहीं होगा या दर्जा हरारत 25 से ज़्यादा होने से कोरोना वायरस नहीं होता। हकीकत में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे गर्म मुल्क जैसे कि लीबिया, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सोमालिया, इंडिया और मैक्सिको जैसे मुल्कों में भी कोरोना वायरस के केसेस आप सबके सामने हैं। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि इन मिथ्स पे यकीन ना करें। माहिर सेहत ने जो आप लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताए हैं, सिर्फ उन पर अमल करें। इसी तरह हैंड ड्रायर से हाथों को गर्म करना या सुखाना, हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से गले को गर्म करना और रोज़ाना स्टीम लेने से फेफड़ों में मौजूद कोरोना वायरस से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि गर्मी से कोरोना वायरस के जरासीम का बेअमल होना या मर जाना साबित नहीं। छठी मिथ, घर बैठे कोरोना वायरस का बजायते खुद जायजा करें। सांस को 10 तक रोकें और मुंह के जरिए निकालें। अगर बगैर खांसी या तकलीफ के कर पाएं तो आपको कोरोना वायरस नहीं। कोरोना वायरस का मुआयने करने का बेहतरीन तरीका सिर्फ लेबोरेटरी टेस्ट है। 10 सांस रोकने से कोरोना वायरस का पता नहीं चलता, और बहुत से सांस के मरीज या वो बूढ़े लोग जिनके फेफड़ों की सलाहियत कम है, 10 तक सांस नहीं रोक पाएंगे। इसका हरगिज मतलब नहीं कि उन्हें कोरोना वायरस है। सातवीं, गर्म पानी से नहा लेने से कोरोना वायरस नहीं होता। गर्म पानी से नहाने से आपके जिस्म का दर्जे हरारत 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, इसीलिए इसका कोरोना वायरस पे कोई असर नहीं। आठवीं, मच्छर के काटने से कोरोना वायरस हो जाएगा। अब तक की जाने वाली रिसर्च में ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई है कि मच्छर के काटने से कोरोना वायरस हो। कोरोना वायरस सांस का वायरस है, जो कि फेफड़ों पर असरअंदाज होता है। इसकी वजह मच्छर नहीं
बल्कि कोरोना वायरस के मरीज से निकलने वाला थूक का छोटा सा कतरा है जो उसके खांसने या छींकने से निकलता है। नवी, लहसुन के खाने से कोरोना वायरस का खात्मा। लहसुन एक सेहतमंद गिज़ा है और इसमें एंटी माइक्रोबियल खसूसियात भी मौजूद हैं, लेकिन ये 2019 के नोवल कोरोना वायरस को ख़त्म करने में किसी भी हद तक मुफीद साबित नहीं हो पाया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक औरत की कहानी शाया हुई है जिसको शदीद हलक की सूजन की वजह से हॉस्पिटल में इलाज लेना पड़ा, क्योंकि इस औरत ने 1.5 किलो कच्ची लहसुन खाई थी कोरोना वायरस से बचने के लिए। याद रखिए, किसी भी चीज़ का कसरत से इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 10वीं मिथ, पानी पीने से वायरस पेट में चला जाता है और पेट के एसिड से फना हो जाता है। नाक या मुंह के जरिए फेफड़ों में जाता है और पानी पीने से इसका पेट में चले जाना, इससे मुतालिक अब तक कोई सबूत मौजूद नहीं। 11वीं, घर में सैनिटाइजर का बनाना। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की प्रोफेसर सैली ब्लॉन्गफील्ड के मुताबिक घर में सैनिटाइजर बनाना इतना आसान नहीं, क्योंकि सैनिटाइजर में हर चीज़ का एक रेशो होता है। जैसे कि सिर्फ अल्कोहल का ही रेशो लें तो वो सैनिटाइजर जिनमें अल्कोहल का रेशो कम से कम 60% हो कोरोना वायरस के खिलाफ असर रखती हैं। लेकिन घर में इस तरह से अगर सिर्फ वोडका ही मिला के सैनिटाइजर बनाने की कोशिश की जाए तो याद रखें कि वोडका में खुद अल्कोहल 40% होता है, इसलिए आपका बनाया हुआ सैनिटाइजर किसी काम का नहीं होगा। अगर आपके पास सैनिटाइजर मौजूद नहीं तो इसलिए आपसे हिदायत की जाती है कि अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल घर में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि घर में साबुन और पानी मौजूद होता है। ये सिर्फ उन लोगों के हाथ साफ रखने के लिए ज़रूरी है जिनके पास पानी से हाथ धोने के वसाइल नहीं। 12वीं और आखिरी मिथ, जो भी हम आजकल इंटरनेट पर देख रहे हैं वो सब सच है और मुझे सब चीज़ों पर यकीन कर लेना चाहिए। जैसा कि हमने अपनी इससे पहले कोरोना वायरस पर अपलोड की हुई वीडियो में बताया था, जो कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर सजेशन कार्ड से प्ले कर देख सकते हैं, कि हर वो चीज़ जो आजकल हम इंटरनेट पर देख या सुन रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, और आप लोगों को चाहिए कि न्यूज़ डाइटिंग करें और सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इसके बावजूद अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना या पढ़ना चाहते हैं तो आलमी इदारे सेहत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी चीज़ पर यकीन करने से पहले उसके बारे में पूरी तहकीक कर लें और कोई भी दवाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दवा के भी मनफी असरात होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट आप लोगों से गुजारिश कर रही है कि अपने घरों में रहें और अपने आप को और अपनी फैमिली को इस वायरस से बचाएं। इस बार हमें ये मौका मिला है कि हम अपने मुल्क के किसी काम आ सकते हैं और अपने मुल्क को बचा सकते हैं घर में रह के। ऐसे वक्त में हमारा घर में रहना सिर्फ हमें या हमारी फैमिली को ही नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों को इस वायरस से बचा सकता है जो हमसे मुंसलिक हैं, क्योंकि हमारे मुल्क और तमाम लोगों की हिफाजत करना सिर्फ डॉक्टर्स, आर्मी और पुलिस का ही काम नहीं, ये हमारा भी फ़र्ज़ है। इसीलिए घर में रहिए, महफूज रहिए। बाय बाय फेलास, खुदा हाफिज़।